आत्मदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जेश। आज मैं नहीं कहूंगा आत्मदर्शन के स्टूडियो में, लेकिन आत्मदर्शन के प्रमाइसिस में हमारे लिए बहुत ही खास व्यक्ति उपस्थित है। मैं एक प्रकार से उतावला हूं कि आप सबों के सामने इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए। सारा विश्व इनके बारे में जानते हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि वे हमारे पास में हैं और हमारे स्टूडियो में हैं और उनके इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी आप सबों के साथ में साझा करने के लिए हमारे बीच में वे उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। इंट्रोड्यूसिंग बिफोर यू ऑल दया भाई। आदिवासी और दलितों के अधिकारों के लिए अपना जीवन कर्तव्य पथ पर समर्पित करने वाली मानवाधिकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता दयाबाई। यह धीर वनिता दक्षिण भारत के केरल से है, जिन्होंने 16 साल के उम्र में अपना घर छोड़कर ईश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित किया और बाद में उसे छोड़ पूर्ण रूप से आदिवासियों के कल्याण के लिए उन्हीं के बीच रहकर अपना जीवन व्यापन किया। अपने प्रेरणादायी भाषणों एवं सत्याग्रह के माध्यम से अंदरूनी इलाके और आदिवासी मध्य प्रदेश में उपेक्षित गांवों को सशक्त बनाने के लिए अभियान चला रही हैं। विजिल इंडिया का राष्ट्रीय मानव अधिकार पुरस्कार, स्विट्जरलैंड में कैली वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2001 सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के लिए धर्म भारती राष्ट्रीय पुरस्कार, वनिता वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2007, द स्पिरिट ऑफ असीसी राष्ट्रीय पुरस्कार 2010, गुड समैरिटन नेशनल अवार्ड 2012 और कई पुरस्कारों की विजेता दया भाई, हम आपका आत्मदर्शन टीवी में स्वागत करते हैं। दया भाई, आत्मदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है और आपका व्यक्तित्व ही बहुत ही इंस्पायरिंग है। आज की दुनिया में इस प्रकार का कोई व्यक्ति हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। आज हमारे दर्शक और हम भी इतने उतावले हैं कि जानने के लिए कि आप ऐसा एक व्यक्ति कैसे बने। हालांकि हम जानते हैं कि आप केरल से हैं, लेकिन आप केरल का कोई भी लक्षण आपके शरीर में अभी नहीं है, जो है उसको पूरा मिटाने की कोशिश कर दी गई है। आपको कैसा लग रहा है पूर्ण रूप से बताया जाए कि ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन? वो एक शब्द में नहीं बता सकते हैं। मैं छोटे छोटे बातों में बहुत सी सपना देखे, बिल्कुल निम्न स्तर के लोगों के साथ जीवन और एडवेंचरस लाइफ, गांधी का कहानी सुन के मेरे तो मैं एक एक करके पूछना चाहूंगा, आपका इंस्पिरेशन क्या है लाइफ का? वो एक ही चीज नहीं है, छोटे छोटे से छोटी छोटी इंसिडेंट कहानी द्वारा वो धीरे धीरे एक रूप हो गया। ऐसा गांधी को मैं पहले जाना उनके बारे में, क्योंकि मेरे फादर जेल में थे, फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा। तो छोटे उम्र में, 3 साल की उम्र में ये गांधी बाबा का कहानी उनके पापा से सुनने को मिला। हाँ, खास वहीं से ही तो इमेजेस बिल्डअप करने लगा। जीसस को बहुत बाद में एक इंस्पिरेशन के तौर पर। हालांकि पहला इंस्पिरेशन अगर हम ये बता सकते हैं कि गांधी जी थे। हाँ। और शायद इसी वजह से आप उनके जैसे रूप भी धारण किया है आज के दिन में। शायद कुछ उधर फिर जीसस भी थोड़े, मैंने मेरे फर्स्ट कम्युनियन के टाइम से एक पर्सनल रिलेशनशिप वही टाइम से शुरू। तो एक प्रकार आप शुरुआती दौर पर बचपन से ही आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द पीपल, ऐसा सोच रखती थी? ऐसा सोच नहीं थे, लेकिन मेरा मन जो चाह रहे एक पैशन एक उसी के पीछे दौड़ते थे। तो डिफरेंट वो कभी नहीं सोचे, लेकिन सबसे पहले नर्स के बारे में सुने। मेरे ट्रैवल में मेरे भाई उल्टी किया, 3 साल की उम्र में मेरे फादर उनका मदद किया, दो औरतें मुझे बहुत प्यार से संभाला।
तो बाद में पता चला वो नर्स है, नर्स क्या है, रोगियों को देखते थे, तब ऐसा कुछ बनना है। फिर गांधी के बारे में, गांधी उनका कपड़ा उतार कर फेंक दिया, शॉल ओढ़ा, तो वो सब मैं इमेज में देख, हाँ ऐसा कुछ, तो वैसा शुरू हुआ। फिर फर्स्ट कम्युनियन के टाइम में हमको कैटेकिस्म में बहुत मुझे मेरा दिल छुआ वो कहानी था, जीसस टेम्पल में मेरा किताब में झाड़ू लेके भगाते हैं, बाइबल में बोलते हैं लगाम लेके, लेकिन ये कहानी तो मेरा बहुत फिक्र था, अरे यीशु पाप किया है, यीशु मारते हैं, यीशु क्यों गुस्सा होते है? वो टीचर बोलते को बेटी तुम उधर बैठ जा, ऐसे बोलते थे, हमेशा सवाल करते। फिर मेरे फादर को पूछा तो फादर बोले वो प्रेयर का जगह है, आराधना का जगह है, वो सब दुकान लगा के गंदे किया, लेकिन यीशु पाप किया नहीं, वो पाप नहीं है, वो गुस्सा हो गए इसलिए वो गंदे किया, उनको निकाल रहे। लेकिन आज मेरा सोच बहुत अलग है, आज क्या सोच है? क्योंकि मैं गांव-गांव में काम करने लगा, तो ये ट्रेडर्स सबसे पहले गांव के छोटे लोगों को लूटने वाले मेरे सामने वही दिखा, साहूकार, साहूकार लोग, फिर उनके साथ काम कर गए। मैं सोचती उस जमाने में भी वही था, मैं आपके नजरिया बिल्कुल बदल गया। हाँ, और जीसस भी उधर देखा, ये लोग एक्सप्लॉइटेशंस के विरुद्ध खड़े हो गए। फिर फर्स्ट कम्युनियन में हम लोगों को सब तैयार किया, हम लोग जुड़वा थे, आंटी और सब तैयार किया और बोला जीसस पहले अपने दिल में आते हैं, तो जो भी चाहिए तो मांगो। और उस दिन मैं ये सब होने के बाद में कैंडल से मेरा पूरा कपड़ा जल गया, वेल्स रीत सब, सब कोई मेरे को डांटे, तो बहुत घमंडी आई, वो सो लिटिल स्मार्ट गर्ल, बहुत बात करते, सवाल पूछते, हंसते। मेरा भाई थोड़ा सीधा साधा अच्छा था, लेकिन इसके कारण बहुत डांट पड़ी, तो बहुत घमंडी है इसलिए ये सब हुआ। तो मेरा मन कहता था घमंडी नहीं हूँ उसी कारण से नहीं है, तो मेरा फादर दूर ले जाकर, हाँ तेरे को इतनी अक्कल नहीं था पापा, मैं यीशु के साथ एक सूत्र मरे है, मैंने एक सीक्रेट गुपचाप यीशु से एक बात किया। क्या क्या बात किया? तो मैं बोली मुझे बहुत अच्छा लगा तेरा वो सब काम, साहस, हिम्मत, मुझे भी ऐसा बनाना, तो मैं भी दिखाऊंगी, ऐसा बोली थी। तो उस बीच में सब भूल गया, कैंडल जलने का सब। मुझे आज लगता है वो बचपना में जो मांग किया वो सुन लिया, वो सीरियसली लिया। आज ये कॉरपोरेट सेक्टर, ये HCL, इंडोसल्फान के कंपनी, इनके साथ सब लड़ते हैं, तो वो बोलते हैं तू उस दिन मांगे थे, करो। जी जी, तो एक इंटरेस्टिंग मोड पे आए हैं, एक नटखट लड़की के जीवन में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है, और ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उन्हें ले चलते हैं हजारीबाग, वो कहानी भी हम उनके मुंह से सुनते हैं। और फिर मैं पढ़ाई लिखाई करने लगे, तभी से सेंट स्मार्ट ईयर्स ये सब कहानी पढ़ाया, फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो लालटेन टांग के जाने, संतों की कहानी आपको बहुत अच्छा संत भी, और जो अलग टाइप का जी, जी, जी। फिर जॉन ऑफ आर्क मिलिट्री वालों के बीच में सेवा कर रहे, सादर डेमियन लेप्रसी लोगों, और उनके पैरों में गर्म पानी मिला तो उसको मालूम हो खुद लेपर हो गया, ये सब पढ़ के ऐसा ऐसा कुछ अफ्रीका उसी समय सपना देखा है, तो ऐसा सोचे। लेकिन फिर बाद में आंटी लोग सब कॉन्वेंट में गए, तो एक एक गया, तो मैं सोची मेरे को भी नन बनना ही पड़ेगा, तभी बनेगा। यही है वो ट्विस्ट है इस बहन के जीवन में, कि नन बनने गई थी, होली क्रॉस कॉन्वेंट में दाखिला लिया था, और कुछ समय वहाँ पर उन्होंने अपना जीवन बिताया था। नन बनना सोचे, लेकिन इनका कोई लोकल कौन मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर प्रेशर गर्ल पढ़ते तो ये मिशन में पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाते हैं, लोग थोड़ा कपड़ा पहनते, तो उस तरफ आकर्षण हुआ, तो मिशनरी लाइफ।
फिर एक गाना मिशनरीज के बारे में, उसका दो लाइन आज भी मैं वो जी रही हूँ, वो मुझे बहुत फैसिनेट किया। काटन मलियम वेलम मन्यम कूटा कादीदारो कूटा कादीदारो रो, मैंने ये कौन है जो बरसात धूप ठंडाई कोई फिक्र बिना इनकी सेवा में घूम रहे हैं। तो वो जानने के लिए जब मैं मिशन बोलते तो सब बोलते थे तेरे को स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो कमज़ोर है, वहाँ नहीं सहेंगे। तो मैं स्कूल से आते समय किताब पुस्तक मेरे छत्ता के ये फोल्ड में लुका के ऐसे घर आते थे पूरा बरसात भींग के, वो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो ये सबको प्रमाणित करने के लिए कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है और आप मिशन के लिए फिट है। मैं सब सामना करूं ऐसा एक हो गया, और फिर दो तीन जगह लिखी और पहला जहां से जवाब मिलेगा वहां जाऊं। तो ऐसा सारी बात आया। पापा जी आपको परमिशन दे दिए? हम पूछे नहीं, लेकिन उनकी समस्या, हमारे घर में कभी ये कोई रोकने का काम कभी नहीं हुआ। बहुत लेट मैं बांग्लादेश जाने को रेफ्यूजी कैंप में बात काम करने को प्लान किया नर्सिंग पढ़ने के बाद, उस समय एक दिन पहले युद्ध शुरू हुआ। कहा पैरिश प्रीस्ट सब कोई घर में आके, मेरे फादर थोड़ा फेमस आदमी था इसलिए बहुत लोग आके बोले ये मसीह को नहीं छोड़ना, अभी युद्ध है वहाँ बहुत डेंजर है। तो मेरे पिताजी और माँ दोनों बोला हम भेज नहीं रहे, वो जा रही है, हम रुकते नहीं। हाँ जो इस पर हम वापस आ जाएंगे। यहाँ पर जिक्र हुआ था एक नाम का, वो है मर्सी, मर्सी मैथ्यूज थी, और उन्होंने अपने केरल का जो नाम था पोषा था सब कुछ छोड़कर आज दयाबाई बन गए। कहानी आगे जारी है हजारीबाग की। कुछ बात वहाँ सब अच्छे थे, लेकिन पहला दिन ही मुझे लगा ये मेरी जिंदगी, मैं जो सपना देखती थी ये नहीं है। मैं बिल्कुल गरीब लोगों के साथ मर करके पानी बरसात सब भींग के सब उनके साथ काम करना, यहाँ थोड़ा सिक्योर कंफर्टेबल लाइफ। मैं कॉन्वेंट की कोई गलती उनकी नहीं बोल सकूँ, नहीं है, उनका स्पिरिट बहुत अच्छा था, लेकिन जो कॉल आपका था शायद वो कॉल नहीं था, इसीलिए मैं हर महीना जाकर सिस्टर मुझे लगता है मेरे बुलाहट यहाँ नहीं है, मुझे जाना चाहिए, पता नहीं कहाँ, लेकिन मैं घर जाना भी नहीं चाहती। कॉन्वेंट में कितने साल रहे आप? कॉन्वेंट में कुल मिला के मैं 4-5, 5.5 साल, लेकिन 4 साल बाहर पढ़ाई में थी, 1.5 साल कॉन्वेंट में, एक साल के नोशिट किया, 6 महीना ये पोस्ट लेप्सी, नोशिट भी पहला दिन से मेरे को लगा ये नहीं है नहीं है, लेकिन ट्राई कर रही हूँ। पहली बार आदिवासी लोग क्रिसमस में आधी रात के पहले दिन शाम शाम को गठिया लेके बच्चों को ढोके 200-300 लोग उधर आके बैठे, तो मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस, मैं नहीं रह सकूँ इधर, ऐसा मन में। इवनिंग नाइट प्रेयर के बाद मैं सोने को नहीं गया, स्ट्रिक्ट साइलेंस है तो भी मिस्ट्रेस के पास जाके कटकटाए, सिस्टर आई वांट टू गो, मैं रह नहीं सकती। उसके पहले आई वॉन्ट टू गो कभी नहीं बोला, ये मेरा जगह नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन उस समय बोले आई वॉन्ट टू गो। मैं बोली वो लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ उनके साथ जाकर बैठो आग के पास, सुबह रहे मिसा के बाद वो वापस जाएंगे तो ये उन्हीं के साथ मैं उनका गांव जाऊँ, शायद मेरा बुलाहट मैं वहाँ हजारी बागी का। हाँ ये तकरीबन कौन से साल में है? 63 ठीक है, 63 में यहाँ पर कहानी में फिर से मोड़ आया है, और उसके बाद दयाबाई कहाँ पहुँची उनकी जुबान से हम सुनते हैं। फिर मैं एक दिन, हमेशा मिस्ट्रेस बोलते थे ये डेविल इज टेम्प्टिंग यू ऐसा, तो मैंने सोचा ठीक है मैं प्रोफेशन डे तक मैं ऐसा ही रहूं, लेकिन थोड़ा सा भी शक है तो मैं वाउस नहीं लूं, ये तय किया था। लेकिन मेरा सीन एक साल पूरा नहीं हुआ, एक हफ्ता बाकी था, मेरे सीनियर्स रिट्रीट में है प्रोफेशन के लिए, मैं सबसे ज़्यादा जवाबदारी मुझे था, उनका वेल बनाना, रीत बनाना, मेमेंटो,
टेबल रीडिंग, टेबल डेकोरेशन। तो 8 दिन बाकी था, मिस्टर्स आके बोला मदर इज कॉलिंग यू। तो मैं मदर के पास गया, पूछे हाउ आर यू माई चाइल्ड। मैं बोली मदर मैं वही बात सोचती हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशन डे तक मैं ऐसा ही आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, ऐसा बोला। तो ठीक है, नहीं यू कान गो। मैंने देखा आज भी तुम चर्च में रो रही थी, और ये कितना दिन ऐसा रोते रहते चलेंगे, यू विल गेट अ नर्वस ब्रेक डाउन। मैं टिकट खरीद लिया तो घर जाओ। मैं बोली मदर मैं घर जाना नहीं चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते? उस समय छत्तीसगढ़ घोलेंग में ये गृहिणी स्कूल सब चलने के बारे में सुनी थी, तो शायद एक आकर्षण लगा। तो मैं बोली मदर मुझे घोलेंग भेजो, एक माली के रूप में मैं वहाँ काम करूँ। माली के रूप में काम करेंगे, देखिएगा कॉन्वेंट ने तय किया था डॉक्टर बनाने की, मेडिसिन सिखाने की, दयाबाई ने चुन लिया था एक माली बनने का। अब छोड़ के, क्योंकि मैं भेज रही हूँ कॉन्वेंट से बाहर हूँ, लेकिन मैं माली बन के उनके साथ मिलके शायद मेरे बुलाहट वहाँ मिलेगा, ऐसा बोल। ना ना ना, गॉड बहुत तुम्हें टैलेंट्स दिया है, यू आर वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट, बहुत चीज़ों में तेरा टैलेंट्स है, तो वो नहीं हो, कम मिस्ट्रेस के साथ बात करेंगे। मिस्ट्रेस को भी मालूम नहीं था उस समय, मदर अकेले डिसीजन लिया था, गिव हर अनदर चांस। वो इतना सीरियस नहीं, वो आज भी बहुत रो रही थी चर्च में, मैंने देखा, ऐसे बोले। फिर वे दोनों मिलके घोलेंग के बदले डाल्टनगंज में उन्हीं का एक आदिवासी स्कूल में साइंस टीचर बन के जाने के लिए। तो यहाँ पर उनका कॉन्वेंट लाइफ का एक प्रकार खत्म, पर्दा गिरता है, और उसके बाद में एक नए व्यक्ति वहाँ से उठर कराते हैं, अभी जो हजारीबाग पहुंची मर्सी, एक चुलबुली सी लड़की, अभी पहुंचे हैं डाल्टनगंज, वहाँ पर आदिवासियों के बीच में पढ़ा रहे, पढ़ाई शुरू, और वहाँ से आपका ट्रांसिशन, और आपका वहाँ उनके बीच में मिल के अच्छा था। हमारा खाना टीचर लोगों थोड़ा बेटर खाना देते, तो वो कोई लड़की का हर दिन पारी पारी करके उनका खाना मैं लेती, ऐसे ऐसे। कितने साल रहे वहाँ? 1.5 साल मुश्किल से। उसके बाद? उसके बाद मेरे को वापस आने के लिए, क्योंकि मैं बहुत खुश थी, अच्छे काम कर रहे, तो अभी कम्युनिटी में वापस आओ, नेगोशिएट शुरू करेंगे। फिर से मतलब बोला मदर बोला, लेकिन यहाँ कम्युनिटी में गए तो फिर मेरा प्रॉब्लम, ये मेरी जगह है। फिर शायद ये इनर टेंशन क्या है, बेहोश हो रहे थे, गिर रहे थे। फिर मदर ने तय किया यू कैन बी ए होली क्रॉस सिस्टर। लेकिन यहाँ मैं गया, पढ़ा रही थी, मैं एक चीज़ किया, मैं बाइबल शुरू से लेके अंत तक रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई किया, तो मुझे 2-3 चीज़ बहुत क्लियर हो गए। एक था भगवान शुरू से लोगों के बीच में ये प्यार की कमी, ये लड़ाई, ये अन्याय, इसके बारे में बहुत फिक्र करते थे। उनके बीच में प्रेम लाने के लिए एक 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 को भेजा, और लोग उनका फिक्र अकेला नहीं, उन्हीं का साइड भी लेते थे, ये गरीब और लुटे हुए लोगों का साइड लेके। हर प्रोफेस जो आया ये मिशन में आए, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं मन मन में ये कहानी, ये एक प्रकार का नाटक देखते, बहुत लोगों को भेजे, कुछ नहीं हुआ। आखिर में ये प्रभु, फादर, सन, स्पिरिट तीनों मिलकर बैठक हो रहा है। जी जी, कल्पना कर रही है। हाँ, तो फादर बोला ये देखो इतने गया तो कुछ नहीं होता है, अभी अपने को खुद जाना पड़ेगा उनके बीच में, उनको सिखाने के लिए, उनको सुधारने के लिए। तो बेटा बोलते बाबा मैं जाऊँगा। तो बाबा बोलते ए तू भगवान के रूप में उधर नहीं जाना, ऐसे जाकर कोई काम नहीं, हाँ तुम एक साधारण उनके जैसे जाएंगे। हाँ मैं जाऊँगा। तो स्पिरिट बोला मैं उनके साथ जाऊँगा, वो ही है क्रिसमस। मैं ऐसा सोचती हूँ। और उसके बाद में दया भाई का जो जीवन है बहुत ही बड़ा है, इन सब चीजों को बहुत कम समय संक्षिप्त रूप से बताना दिक्कत है, वो हो भी नहीं सकता है।
लेकिन हम कोशिश करेंगे उनके मुख्य जीवन के मुख्य मुख्य पड़ाव। उसके बाद में ननबर ने हजारीबाग गई थी और वहां से निकल कर एक टीचर बन गई थी, और उसके बाद में आप सोशल वर्कर कब बनी? मैं बहुत जगह, उसके बाद उत्तराखंड वहीं पर ड्राउट सूखा पड़ा दो साल, डाल्टनगंज जिला में सूखा, एनिमल्स मर रहे, फसल नहीं हो रहे, बीज भी खत्म हो रहे, लोग बीमार हो रहे, तो कैरिटास इंडिया का कैंप लग रहा है, तो मैं टीचर छोड़ के कैंपों में काम करने लगे, थोड़े दिन वहाँ काम किया। उसके बाद सिस्टर लोग मुझे जबलपुर में फिर टीचर बन के, तो मैं वापस रोकना चाहूँगा, इस समय परिवार से कोई रोक टोक, परिवार से वापस बुलावा और परिवार की रवैया? परिवार से कुछ नहीं था, मैं चिट्ठी भर लिखी, मैं यहाँ कॉन्वेंट में नहीं हूँ, मैं दूसरा दूसरा काम कर रही हूँ, उनको दुख लगा। वो बाद में जब बहुत साल बाद मैं घर आया, मेरे फादर मुझे बोला, जब तुम्हारी छुट्टी आए तो मैं खाना खा चुके थे, पोस्टमैन आए, छुट्टी दिया, जाके पढ़े, मैं जाके बिस्तर में लेट के खूब रोए, और तेरी माँ खाना नहीं खाई थी, वो छुट्टी पढ़ के वो खाना भी बिना खा के ये घर से निकलने के बाद कितने साल की बात हुई? 58 में घर से निकली, 65 जनवरी में मैं कॉन्वेंट से निकल गई। तो इस दौरान आप घर गई थी? नहीं, तो मतलब तकरीबन 10 साल आप घर नहीं गई थी? घर बहुत साल के बाद फिर छोड़े तो भी नहीं गए, उस साल के बाद मैं नर्सिंग पढ़ी, फिर एक कैंपों में काम करते समय मुझे लगा ये नहीं होगा, मुझे नर्सिंग सीखना है, फिर मैं मेडिसिन में जाने वाले थे, करस्पॉन्डेंस में होमियो सीख है, होमियो मेडिसिन। ये कैंप्स में आप अपना योगदान देते देते अभी आप डाल्टनगंज पहुँचे, और वहाँ से जबलपुर आए इंग्लिश मीडियम स्कूल में जी, वहाँ भी स्लम में सब जाके काम करते थे, उसके बाद केरल गए, फिर नर्सिंग पढ़े। अच्छा, नर्सिंग कर लिया, केरल वापस गए? फिर घर से नहीं, मैं एक कॉन्वेंट में लिखी, वे बोले आ जाओ वहाँ पैसा दे, मैं बोली मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आई वॉन्ट मैक्सिमम एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल, तो मैं 3 शिफ्ट ड्यूटी करती थी, एक शिफ्ट के बदले तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आता, वे लोग भी बहुत प्यार करते थे। बाद में वहाँ से केरल से वापस, उसके बाद उसी समय ये रिफ्यूजी आ रहे बांग्लादेश से, तो हर जगह पेपर में सब वॉलंटियर्स के जरूरत है, तो कलकत्ता कलकत्ता आर्च बिशप को लिखी, आई सेड मैं एक साल के लिए वॉलंटियर करूँ, ज़्यादातर एक महीने के लिए आते थे। तब आपका उम्र कितना होगा? 30 नहीं हुआ, 28। उसके बावजूद भी हिम्मत कहाँ से निकला? मतलब एक अरे ना एक पैशन है ये, अरे कोई लड़कियां कोई लड़के को साथ वो भी करते तो बन जाते हैं ना। मैं रोकना चाहूंगा, 70 के दशकों की बात कह रहे हैं, और वहां पर एक अकेली लड़की की हिम्मत देखिए, शादी करने का इच्छा नहीं हुई? वो कभी नहीं, ये शादी पैशन था ना, तो लेकिन रेफ्यूजी कैंप में एक एक्स प्रीस्ट एंग्लो इंडियन, वो शादी का मांग किया, मैंने अफेयर नहीं था, आई वांट ही सेंड वर्ड थ्रू समबडी एल्स, आई वांट टू मैरी मर्सी, मतलब वहां पर वॉलंटियर वॉलंटियर था, हां वॉलंटियर, मैंने वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में था, हां फिर बांग्लादेश के दो इटालियंस, ओह माय गॉड, लेकिन वे मेरे फादर को बोल के आई वॉन्ट टू डेट विथ इटालियंस, पहले डेट करने के पहले पेरेंट्स का परमिशन पूछते हैं, मेरे फादर को प्रपोजल बहुत आए, तो उनको बिल्कुल ग्लैमरस थे उस वक्त, वो तो स्कूल डेज में आप इमेजिन कर सकते हैं कि अकेली लड़की है और इसमें बहुत हिम्मत है, कोई भी उन पर अट्रैक्ट हो सकता है जी। और फिर वहाँ रेफ्यूजी काम में बहुत काम करके मुझे लगा, तो बांग्लादेश के एक बिशप आए, तो कैरिटास इंडिया वालों को अभी आप कलकत्ता में, कलकत्ता में हाँ, और युद्ध के टाइम में अगरतला बॉर्डर कैंप में गया, वहाँ कोई जाना नहीं चाहते, डर लगते हैं, उधर से बॉम्बिंग का आवाज़ शुरू होते हैं, तो मैं वहाँ गई, तो ऐसा ऐसा करते करते हिम्मत बढ़ रहा है ना,
you are becoming free from all fears, no? Yes. Something passionate pulling you. कभी डर नहीं लगा कि मतलब नहीं ऐसी चीज मेरे मन में कभी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, नहीं आया। फिर बांग्लादेश का एक बिशप आया तो उनने बोला we want some good volunteers from here. तो मैं तो तैयार बैठी, हाँ तो यहाँ से रिफ्यूजीज वापस जाने का ट्रक में यही के लोग कैरिटास इंडिया के लोग मेरे को बंगावन बॉर्डर में ले जाके वहाँ बॉर्डर में पास लिखा पढ़ी करके वहाँ गए, एक डायसिस के लिए काम करना शुरू किया। कितना हमारे क्रिश्चियन एनजीओ उस समय सक्रिय था, आप इनके जीवन की जीवनी सुन रहे हैं, जहाँ पर 70 के दशकों में अगर बताया जाए कि मतलब यहाँ पर सरकार की कोई सुविधाएं कहीं नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पर कारित्यास इंडिया बहुत सक्रिय रूप से कार्यरत था। इंडिया बांग्लादेश वॉर के बीच में और जहाँ पर भी रेफ्यूजी कैंप्स लगते थे और उनके बीच में कारित्यास इंडिया का बहुत ही सराहनीय काम हुआ है, यही इससे हमें मालूम पड़ रहा। और बांग्लादेश के जो आपके सफर बांग्लादेश में एक डायसिस के लिए है, बांग्लादेश में उस समय देखेंगे तो रोड ब्रिजेस वगैरह बॉम्ब से सब हटे, गाड़ियाँ नहीं है। ये डायसिस के लिए दो स्पीड बोट थे, एक स्विस प्लेन था, वो प्लेन से छोटे प्लेन मिनी प्लेन उसी से हर जगह जाते थे, पैसा वगैरह वो लोग फादर लोग बोरी में बांध के ले आते थे, स्विस पायलट और हम लोग दो तीन जन बैठ सकते थे वैसा शुरू में। फिर कुछ जगह नदी के अंदर से स्पीड बोट में एक एक जगह। कितने साल रहे बांग्लादेश? 1.5 साल। रेफ्यूजी के साथ में आपका लंबा सफर रहा? हाँ, और यहाँ सब वापस आए तो उनको सेटल करने का काम है, लोग वापस आ रहे हैं घर में कुछ रही है तो कोई को कारपेंटर किट्स फार्मर्स किट जापान से पावर टिलर्स आ रहे हैं उनका ट्रेनिंग वो दिखाने के लिए, फिर टेलरिंग, फिर पीनट बटर बनाने को औरतों को ट्रेनिंग स्किल और चीज़ों भी देते हैं। okay. ये अरगल्ला सब कुछ। और बांग्लादेश से वापस आने के बाद फिर वापस मैं आए इसलिए बार बार हर महीना वीसा रिन्यू करना पड़ता था, इंडियन लोगों को बहुत अच्छे से वे देखते नहीं थे, दुश्मन जैसे तो अच्छा नहीं लगा। देन यहाँ मैं आयरलैंड के सब बहुत वॉलंटियर्स थे तो यहाँ से प्रोफेशनल सोशल वर्क सीखने को मैं इरादा किया, बॉम्बे में निर्मला निकेतन में लिखी और वे बोले आओ, और मैं लेट पहुँची फिर भी वे मुझे ले लिया क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत प्रेशियस था उनके लिए जी। तो वापस यहाँ MSW पढ़ना। और उस बीच में और एक कहानी, बांग्लादेश के कैंप के अंत में जॉन कैनेडी के ब्रदर एडवर्ड कैनेडी ढाका जा रहे थे तो कैंप में आया, वो February 22 मेरा बर्थडे में थोड़े वॉलंटियर कुछ सेमिनेरियंस मदर ट्रीसा कुछ लोग थे बाकी सब बन गए तो भी थी। नहीं नहीं उस समय नहीं थे, पहले आते थे तो हैप्पी बर्थडे गा रहे थे तो वो लोग पूछे किसका बर्थडे है, ये शी इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट वॉलंटियर ऐसा बोल के बताए। फिर मुझे पूछा आप इसके बाद क्या चाहेंगे, मैं बांग्लादेश जाऊँगी वहाँ काम करूँगी उसके बाद MSW पढ़ने को इंडिया वापस आऊँगी बोले। तो वो मेरा एड्रेस और ये सब लिख के बड़ा एक फोटोग्राफ लिख के भेजा, मुझे बोला MSW पढ़ना है तो अमेरिका आ जाओ, दिल्ली में एक एड्रेस दिया वो मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए फ्री में पढ़ने के लिए। एक ट्विस्ट यहाँ पर भी है बताना चाहूँगा, यहाँ पर जॉन एफ कैनेडी का ब्रदर, ओन ब्रदर कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी उनका बर्थडे भी था, अमेरिका के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट के भाई ने, वो सेनेटर था, सेनेटर था, और उन्हें एक विशेष आमंत्रण दे रहे हैं कि MSW सीखने के लिए उस समय US आ जाए। लेकिन मैं बोली बिल्कुल निम्न स्तर के आदिवासी ऐसा एरिया में काम करना चाहती हूँ भारत में, इसलिए मैं यहीं पर पढ़ना चाहती हूँ, अमेरिकन कोर्स आई डोंट वांट, ऐसा बोली के थैंक यू बोल के वो खत्म। आई डोंट इवन नो दैट एड्रेस, दिल्ली में कोई एड्रेस था, शुरू में बहुत एंथुसियाज्म था पर बाद में शायद मेरी बीमारी है, हर जगह मैं मिसफिट हूँ, आई कैन फिट इन, मेरी अंदर का सोच के कारण
मैं सोचा मैं गांव में जाकर काम करना चाहती हूँ, यहाँ ये अमेरिकन सिलेबस वो पुस्तक पढ़ रहे केसवर ग्रुपर के सब, और बॉम्बे सिटी में फील्ड वर्क कर गए हफ्ते में तीन दिन क्लास, ये मेरे लिए कोई फायदा नहीं है फिर? तो मैं छोड़ना चाहती बोले, लेकिन मेरा प्रोफेसर बोले मसी यू टेक द डिग्री देन यू लीव यू डू एनीथिंग। तो मैं बोली नहीं, ये मुझे वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ भी हो उनका कहना मान के मैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम लिखा जी। उसके बाद छोड़ दिया, किसी को नहीं बोला जी। बॉम्बे डायसिस के लिए काम किया देहातों में एनिमेटर के रूप में, हर पैरिश हर जगह, फिर दिल्ली डायसिस में फ्लड रिलीफ के लिए हरियाणा में काम किया, रेफ्यूजी कैंपस में, कैंप्स में वापस हरियाणा रेफ्यूजी कैंप फ्लड रिलीफ। उस बीच में आपका नाम कैसे चेंज हुआ? बांग्लादेश में मैं करुणा थी, क्योंकि मसी को मौसी मौसी बुलाते तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं बोली करुणा बना, तो बंगाली का ट्रांसलेशन मसी का। लेकिन हरियाणा में सबका नाम में वती है, तो वहाँ मैं दयावती बनी, चंद्रावती सोमवती ऐसा, तो दयावती। लेकिन वहाँ से आके हरियाणा के बाद में उस समय तक 6 साल हो गया, 7वां साल में फिर निर्मला निकेतन में लिखी। मैंने सुना वे कोर्स वगैरह बहुत चेंज किया, रूरल फील्ड वर्क है ट्राइबल भी है, तो मैं लिखी। तो वे बोले प्रिंसिपल सेड ओह आई एम सो हैप्पी यू केम बैक, यू आर द वन हु हैड टू टेक द डिग्री एंड यू डिडंट टेक, तो बहुत हैप्पीली वेलकम किया। लेकिन ये फील्ड वर्क रिसर्च वे जो जगह चुने मेरे लिए उतना अच्छा न्यू एक्सपीरियंस। ज़ेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल निर्मला में कहते हैं, निर्मला बॉम्बे यूनिवर्सिटी का एक ही कॉलेज था उस समय। तो उसके बाद फिर उनने मेरे को बोला वेयर डू यू वांट, कहीं भी आप भेजो, आई डोंट सी एनी न्यू एक्सपीरियंस। तो मुझे बोला यू गो एनी वेयर, जहाँ तुम जाना चाहते हैं तेरा रिसर्च और फील्ड वर्क। तो मैं छिंदवाड़े में आई। देखिए केरल से एक छोटी सी बालिका जो घर से निकली थी उसका सफर अभी भी जारी है, वहाँ से निकल कर हजारीबाग से डाल्टनगंज से वापस केरल, केरल से कोलकाता, कोलकाता से बांग्लादेश, बांग्लादेश से मुंबई, मुंबई से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से वापस मुंबई, और मुंबई से अभी मध्य प्रदेश के हमारी मिट्टी के छिंदवाड़ा।